नमस्कार, मैं हूं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज 9। चूंकि बिहार की राजनीति में लगातार अलग अलग मोड़ देखने को मिलता है और अलग अलग बातें भी होती रहती है, तमाम कोशिशों के बावजूद भी उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी को प्रॉपर रूप में नहीं चला पा रहे हैं। और ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप एक सनसनीखेज खुलासा सामने है आपके, कि जिसमें उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है वो अब जेडीयू के साथ विलय होने जा रही है। हालांकि इस बात पर कयास लगाया जा रहा है, लेकिन एक विश्वसनीय सूत्र ने ये जानकारी दी कि अब ये पार्टी वाकई में जेडीयू के साथ विलय होने जा रही है। तो हमारे साथ इस पूरे संवाद में बने हुए हैं राजनीतिक सलाहकार हैं आलोक आज़ाद जी, जिनसे हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और तमाम मुद्दों को जानेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। जी धन्यवाद। क्या लगता है, चूंकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी अब पूरी तरह से विलय होने जा रही है जेडीयू में, और ये बात लगातार कयास लगाया जा रहा था, लेकिन अब जा करके ये पुष्टि हो पाई है कि वाकई में ये मिलन होने जा रहा है, तो आपका इस पर क्या स्टैंड है और आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि बीच में रालोसपा के सूत्रों ने, उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी कहा था कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कुछ दिन पूर्व में ले चलना चाहता हूँ, जब वशिष्ठ नारायण सिंह जी के साथ उपेंद्र कुशवाहा जी नीतीश कुमार जी से मिले थे, बाद में मीडिया के साथियों ने उनसे पूछा था, तो उन्होंने बोला कि भाई नीतीश कुमार जी से हमारा पारिवारिक संबंध है लेकिन राजनीतिक संबंध नहीं है अभी। तो मिलने से पार्टी का विलय का कोई प्रश्न नहीं होता है। बावजूद दादा ने, यानी कि वशिष्ठ बाबू ने कहा था कि नहीं भाई, उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे साथ थे, हैं और रहेंगे, आगे भी हमारे दल में है, तो उन्होंने ये बात तो कही थी। हालांकि नीतीश कुमार जी का सबसे ज्यादा विरोध यदि किसी कोई बिहार में करते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा है। तो अभी ये क्या नौबत आ गया, चूंकि आप हम लोग लगातार देखे हैं कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार का विरोध कर रहे थे, और बाद में भले ही आरजेडी से अलग होने, महागठबंधन से अलग होने के बाद उनके समर्थन में बयान देना शुरू किया था, लेकिन पूरे चुनाव नीतीश कुमार से अलग उनका रूप देखने को मिलता था। तो अभी क्या मजबूरी हो गई जिसके वजह से ये जेडीयू में विलय करने की भी बात सामने आ रही है? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, उपेंद्र कुशवाहा जी का जो राजनीतिक स्थिति रही है अभी तक की, जो उनकी राजनीतिक यात्रा रही है, वो सुविधा की राजनीति उन्होंने लगातार किया है। मैं कुछ दिन पूर्व में आपको ले चलना चाहता हूँ, उन्होंने समता पार्टी का स्थापना काल से ही अपनी राजनीति शुरू की थी। 2000 के चुनाव में वैशाली जिला के चंदहा विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने चुनाव जीता था, फर्स्ट बार जदयू के टिकट से, नीतीश कुमार जी का भरोसा उनको मिला था, उनको टिकट मिला था, वो उस समय जीते थे 2000 के चुनाव में। आपको याद, हम सभी को याद है, आपको लोगों को भी याद है, सब लोगों को, कि उसी के बाद उस समय भाजपा का विपक्ष का नेता हुआ करता था, सुशील मोदी जी विपक्ष के नेता थे, और एक सीट मात्र ज्यादा जदयू का आया था तो सुशील मोदी जी को हटा के उपेंद्र कुशवाहा को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया था। उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत वहीं से स्टार्ट हुई थी, उसके पहले उनको कोई लोग जानते नहीं थे, बड़े फेस नहीं हुआ करते थे। उसके बाद वो चलते रहे, लेकिन जो 2005 का जो चुनाव हुआ, जो बिहार का टर्निंग पॉइंट जिसको कहा जाता है, मतलब कि लालू राबड़ी राज का खात्मा और नीतीश राज की शुरुआत जो हुई थी 2005 में, तो वही मेन टर्निंग पॉइंट है उपेंद्र कुशवाहा जी का। उस 2005 के चुनाव में एनडीए ने पूरे बिहार में बहुत बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी अपना सीट बचा नहीं पाए थे। उसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि इनको एमएलसी बनाया जाएगा, मंत्री बनाया जाएगा, कहीं सदन में सेट किया जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। और उसी के बाद वो गुस्सा के 2005 के बाद, मुझे लगता है 2007 या 7-8 में, वो उसको जदयू को उन्होंने अलविदा कर दिया, क्योंकि वहां उनको कोई फायदा नहीं मिल रहा था, नेता के रूप में ही सिर्फ थे, उसको अलविदा करके वो उपेंद्र कुशवाहा जी महाराष्ट्र के छगन भुजबल जी के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिए थे। वहां से उनकी यात्रा चली, उसके बाद फिर चलते चलते फिर 2010 में जगदेव बाबू की एक जयंती हुई थी पटना में, तो जगदेव बाबू के जयंती समारोह में उपेंद्र कुशवाहा जी को फिर नीतीश कुमार जी ने जदयू में ले लिया था,
और जदयू में लेके उनको राज्यसभा का सांसद भी वो बनाए थे। बिल्कुल। और उस समय राजगीर के सम्मेलन में उन्होंने कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा जी आप आइए, आप हमारे नेता हैं करके उन्होंने बहुत ही अच्छे से स्वागत करके सम्मान के साथ उनको लाए थे, राज्यसभा भेजे थे। लेकिन फिर 2013 आया, 2013 में उनकी महत्वाकांक्षा जाग रही थी और अपने महत्वाकांक्षा और अपने पावर को हासिल करने के लिए 2013 में फिर वो जदयू को तोड़ देते हैं, जदयू को छोड़ देते हैं, छोड़ के वो फिर अपनी पार्टी बनाते हैं जिसको रालोसपा, जो भी वर्तमान में उनकी पार्टी है, राष्ट्रीय लोक विकास समिति। तो 2013 में वो पार्टी बनाते हैं, 2013 में पार्टी बनाने के बाद लगातार उनकी फिर राजनीति रालोसपा से चलती है। 2015 का चुनाव के पहले जैसे ही नीतीश कुमार एनडीए को छोड़कर महागठबंधन के साथ आरजेडी के साथ अलायंस करते हैं और यहाँ सरकार बनाते हैं, वैसे ही उपेंद्र कुशवाहा के अच्छे दिन की शुरुआत हो जाती है। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए गठबंधन में शामिल हो जाते हैं। एनडीए में शामिल होने के साथ विधानसभा चुनाव के पहले लोकसभा चुनाव आता है जिसमें उनको 3 सीटें मिलती है, जहानाबाद, काराकाट और सीतामढ़ी। तो उसमें 2014 में काराकाट सीट से चुनाव जीत के जाते हैं और केंद्र सरकार में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री बनाए जाते हैं। वो उनके राजनीतिक जीवन का बहुत एक्सट्रीम पीरियड होता है, ये टर्निंग पॉइंट भी है उनके, उनका कुछ माह पुराना पुरानी पार्टी लोकसभा में 3 सीटों पे चुनाव लड़ती है और तीनों का तीनों सीट वो जीत के चलते आते हैं। बहुत ही अच्छा 100% का स्ट्राइक रेट उनका रहता है। उसके बाद 2015 का चुनाव वो विधानसभा चुनाव लड़ते हैं एनडीए के साथ, उसमें उनके पार्टी को मात्र 1 सीट आता है सुधांशु शेखर भास्कर के रूप में, और जबकि सीट बंटवारा में काफी कुछ हुआ था, 22 सीटों पे उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन 1 सीट मात्र उनकी आई थी। एनडीए का खात्मा हो गया था, आरजेडी और जदयू ने मिलकर खात्मा कर दिया था। उस समय तक उनकी स्थितियां ठीक थी, लेकिन 2015 से तो ठीक था, लेकिन जैसे ही 2018-17 आने लगा वैसे ही 2017 में नीतीश कुमार जी फिर महागठबंधन को छोड़ के आरजेडी को छोड़ के एनडीए और फिर एनडीए में चले जाते हैं। तेजस्वी जी के ऊपर आरोप लगा था मॉल घोटाला का, मिट्टी घोटाला का, उसके बहाना बना के वो चले जाते हैं। और जैसे ही वहां जाते हैं वैसे ही उपेंद्र कुशवाहा जी को एनडीए कंफर्टेबल महसूस नहीं होने लगा। उसके बाद वो प्रयास करते करते नीतीश कुमार जी ने उनको अंततः एनडीए से बाहर का रास्ता दिखला दिया। उसके बाद उनके पास कोई उपाय नहीं बचा था। उसके बाद यहाँ आने के बाद आरजेडी से गठबंधन किए, गठबंधन करके 5 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़े, 5 सीटों पर चुनाव लड़े और 5 सीट वो हार गए, खुद भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। 2 सीटों से वो चुनाव लड़े थे और अच्छे मार्जिन से, लाखों के मार्जिन से चुनाव दोनों जगह से वो हारे और उनकी पार्टी क्या एक भी सांसद सदस्य नहीं बना, 5 सीट हार गए। उसी समय से इनकी पार्टी का इनके बुरे दिन स्टार्ट शुरू हो गए और इनके पार्टी की भी बुरे दिन स्टार्ट हो गया। तो ये जैसे आपने कहा कि नीतीश कुमार के साथ इनकी कटरबद्धता थी, चाहे जो भी मामला रहा हो जिसके वजह से ये नीतीश कुमार से अलग हो गए थे, अभी अगर ये 2020 के चुनाव में विधानसभा चुनाव जो था, अगर ये नीतीश कुमार के साथ जाकर लड़ते तो इनको क्या लाभ होता? और अगर अभी, चूंकि 14 मार्च को ऐलान किया गया है, ये मीडिया रिपोर्ट्स में नहीं आई है, लेकिन मैं आपको एकदम दावे के साथ कह रहा हूँ कि 14 मार्च को रालोसपा जेडीयू में विलय होने जा रही है, तो आप इस बात को नोट कर लें। और ये बहुत ही विश्वसनीय सूत्र से जानकारी प्राप्त हुई है कि 14 मार्च को उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है रालोसपा, वो जेडीयू में विलय होने जा रही है। तो ये जो पूरा मामला है, अब चूंकि विलय होने के बाद इनको क्या लाभ मिलेगा? क्या 2020 के विधानसभा चुनाव में ज्यादा फायदा होता या अब होगा? जी, मुझे लगता है इनको पार्टी में, जब से नीतीश कुमार जी लोग अभी जो 2020 का जो विधानसभा चुनाव लड़े और विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद महागठबंधन के
जबरदस्त विरोध के बाद कैसे कैसे अपनी सरकार को बचा पाए हैं। बिहार के थर्ड नंबर के पार्टी है, मात्र 43 सीट मुख्यमंत्री जी को मिला है, जदयू को मिला है, उसके बावजूद बीजेपी ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए इनको मुख्यमंत्री बनाया है। बीजेपी के लोग कहते भी हैं कि सीट हमारा ज्यादा है लेकिन मुख्यमंत्री बना रहे हैं उनको जा रहा है, एहसान दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उस एहसान से बाहर आने के लिए, बीजेपी के बढ़ते प्रभाव और बीजेपी के दबाव से बाहर आने के लिए नीतीश कुमार जी ने अपने पुराने सभी लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया है, लगातार लोगों को एक अपने पार्टी में लेते जा रहे हैं, लिए भी हैं। उसी क्रम में मुझे लगता है उपेंद्र कुशवाहा जी को पार्टी में लेने का पिछले 6 महीना से प्रयास चल रहा था। उस बीच में एक बताना चाहूंगा कि अभी जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं उमेश कुशवाहा जी, वो भी कुशवाहा बिरादरी से हैं और उपेंद्र कुशवाहा जी भी कुशवाहा बिरादरी से हैं। चर्चा यह आई थी कि उपेंद्र कुशवाहा जी को प्रस्ताव नीतीश कुमार जी ने दिया था कि आप हमारे पार्टी में आप अपने पार्टी का विलय कर लीजिए और आपको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाएगा, आपकी पत्नी को एमएलसी बना के मंत्री बनाया जाएगा, या इस तरह की चर्चाएं हुई थी। बावजूद सुनने में आ रहा था जो रालोसपा के जो अंदर खाने के जो लोग हैं उन्होंने बताया कि उपेंद्र कुशवाहा जी तैयार थे लेकिन वो पार्टी का विलय नहीं करना चाहते थे। उनका कहना था कि हम आपके साथ गठबंधन करेंगे और गठबंधन करके हम आपके सरकार को सपोर्ट करेंगे। लेकिन सवाल ये भी था ना कि अगर गठबंधन करते तो ना तो अभी चुनाव है और ना उस तरह के हालात है, तो और ना ही इनके पास कोई जीता हुआ प्रत्याशी है, तो किस मामले में गठबंधन होता है? ये तो चुनाव के समय होता तो शायद कुछ बात कही जा सकती थी कि चलो चुनाव है, संभावनाएं बन सकती है, लेकिन अभी तो ये बिल्कुल तरह से रालोसपा खाली हो चुकी है और ऐसे सिचुएशन में गठबंधन का कोई प्रश्न ही नहीं बनता। जी बिल्कुल, गठबंधन का प्रश्न नहीं है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी जो समुदाय का नेतृत्व करते हैं वो कुशवाहा समुदाय है बिहार का। इसके बारे में कहा जाता है कि बिहार की आबादी का 10-11% वोट उनका है, 12% जो 11-12% वोट उनका है, जो एग्रेसिव वोट है, और उसके बिहार के अभी सबसे बड़े नेता होते हैं। और नीतीश कुमार जी की जो पार्टी है वो जो है सो लवकुश समीकरण की पार्टी है, कुशवाहा कुर्मी की पार्टी है, कुर्मी मात्र 2-3% है, कुशवाहा 12% है, लेकिन कुशवाहा समाज के जो प्रमुख नेता है वो नीतीश कुमार जी के साथ अभी नहीं है और चाहते हैं कि इस समीकरण को मजबूत करें। उसी को मजबूत करने के ख्याल से उपेंद्र कुशवाहा जी जब थोड़ा सा नानुकुर करने की स्थिति में थे तो इनके घर के पास के ही उमेश कुशवाहा जो महनार से चुनाव इस बार हारे हैं उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, आरसीपी बाबू को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, वो कुर्मी समुदाय से हैं, कुशवाहा समुदाय से हैं, तो अपना लवकुश समीकरण को मजबूत करने के लिए बनाया गया। उसी के लिए वो चाहते हैं नीतीश कुमार जी उपेंद्र कुशवाहा जी जदयू का दामन थाम ले जिससे लवकुश समीकरण को और मजबूत बनाया जा सके और पार्टी को मजबूत स्थिति प्रदान की जा सके। एक सवाल ये भी बनता है कि अगर ये विलय होती है, रालोसपा अगर जेडीयू के साथ विलय होती है, तो इसमें लाभ किसको होगा ज़्यादा, नीतीश कुमार को या उपेंद्र कुशवाहा को? नीतीश, जाहिर सी बात है कि जदयू में यदि कोई बड़े नेता जाते हैं तो जदयू को तो लाभ होगा ही होगा, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी को भी बहुत बड़ा लाभ होने जा रहा है क्योंकि अभी राजनीतिक अवसान की स्थिति में रालोसपा और उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, जिनका ना संसद में कोई सदस्य है, ना विधानसभा, ना विधान परिषद, कहीं कोई सदस्य नहीं, अकेले हो गए हैं। इनके प्रदेश अध्यक्ष तक भी इनकी साथ छोड़ के चले जाते हैं। अभी की भी बात है, आज ही हम लोगों ने देखा कि इनके कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सहित कई सारे लोग आरजेडी का दामन थाम लिए हैं, तो लगातार इनका साथ लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो इस स्थिति में इनको भी अपने लोगों को और अपने कुनबे को समेटने के लिए एक मजबूत आधार चाहिए ताकि इनके लोग इस विश्वास पे रहे कि उपेंद्र मेरे नेता मजबूत है तो हमको भी आगे राजनीतिक रूप से लाभ होगा। तो इनको ज्यादा जरूरत है अभी जदयू का, जदयू की अपेक्षा। चूंकि अभी ये भी खबर सामने आ रही है कि जो रालोसपा के बहुत तादाद में जो नेता हैं वो आरजेडी में शामिल हो रहे हैं और आज ही की तारीख घोषित की गई है जिसमें आरजेडी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन इससे पहले, चुनाव से पहले भी जब एनडीए से अलग हो चुके थे, महागठबंधन से भी अलग हो चुके थे रालोसपा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा, उस बाद जब उन्होंने ओवैसी और मायावती की पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने का जो फैसला किया था, उस समय भी पार्टी के बहुत सारे नेता जो थे वो कहीं ना कहीं इससे नाराज थे
और बहुत सारे मात्रा में जो इनके बड़े नेता हुआ करते थे पार्टी के, उन्होंने पार्टी छोड़ करके और दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। अब एक बार फिर से ये दौर आ गया है कि पार्टी को लोग छोड़ करके दूसरे जगह जा रहे हैं। तो अभी रालोसपा की जो मौजूदा हालात है वो बिल्कुल ही टूटी हुई पार्टी कह सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के अलावा एक भी बड़ा नाम ऐसा नहीं रह गया है जो रालोसपा में है। तो चूंकि जब कार्यकर्ता ही नहीं होंगे तो पार्टी कैसे चलेगी, और इसी शायद यही वो वजह रही होगी कि जो विलय करने के मूड में भी आए, चूंकि बात लगातार चल रही थी। तो आलोक जी आप ये बताएं कि ये जो पूरा मामला है, कहीं ना कहीं वजह ये भी हो सकता है कि जिस तरह से पार्टी के एकाएक सारे अधिकारी कार्यकर्ता अलग हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को डर भी सता रहा है इस बात का। बिल्कुल, जदयू के साथ रालोसपा का विलय जो आपने बताया है, जो आपने ब्रेकिंग न्यूज दी है 14 तारीख को जदयू का में रालोसपा के विलय का, तो यह विलय नहीं, यह उपेंद्र कुशवाहा और रालोसपा के लिए ऑक्सीजन है। जदयू की ओर से जदयू ने ऑक्सीजन दिया है 14 तारीख का, जिससे इनकी राजनीति, इनकी पार्टी की राजनीति और इनके नेताओं का में जो भगदड़ मची हुई है इनके पार्टी में भागने का, रालोसपा छोड़ने का, उस पर एक विराम लग सकता है। जो इनके लोग हैं, जो इनके समर्थक हैं, वो रुक सकते हैं। बस ऑक्सीजन है यह विलय उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए बहुत जरूरी था यह। तो बात ये भी आ रही है ना, जैसे विधानसभा चुनाव के दौरान जब इनकी पार्टी अलग गठबंधन बना के चुनाव लड़ रही थी, तो इनके जितने कार्यकर्ता थे, जिला अध्यक्ष थे, सबको टिकट दिया गया। क्योंकि अब क्या होगा कि जेडीयू में आने के बाद इनकी वो सीटें इतने जगहों पर, ये जो चुनाव लड़े थे, अब वो तो नहीं लड़ेंगे। तो फिर वो कार्यकर्ता जो एक बार चुनाव लड़ चुके थे इनके साथ, अब वो क्या करेंगे, उनके पास क्या प्रश्न होगा? देखिए, जब विलय होता है तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का एडजस्टमेंट की भी बात बड़े नेता करते हैं। उनके पार्टी के लोगों को या उनके जो साथ जो लोग जा रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था होती है। तो जदयू के अंदर खाने में या क्या चर्चा हुई है अभी तक बाहर निकल के नहीं आई है, लेकिन कहीं ना कहीं जब जाएंगे तो एडजस्टमेंट तो सरकार में होगा ही, पार्टी में होगा, चुनाव में होगा, इनके लोगों को एडजस्ट तो करना ही होगा। और इनको एडजस्ट करना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 5 लोकसभा में 5 सीट, विधानसभा में 20-22 सीट पे होते हैं। तो अब पार्टी में गए तो 2-4 समर्थकों को टिकट नहीं मिला, ऐसा नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं मिलेगा ही। कुछ तो कुछ बात हुई होगी, बिना पार्टियों का विलय, बिना किसी स्ट्रेटजी का तो होता नहीं है। कहीं ना कहीं सारी चीजों पे बातचीत हुई होगी और डिस्कस हुआ होगा। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया, यदि आश्वासन की बात नहीं होती तो 6 महीना पहले ही विलय हो गया होता। चूंकि जदयू की तरफ से 6 महीना से लगातार इस तरह की बातें निकल के आ रही थी कि रालोसपा का विलय जदयू में होगा। तो एक बार मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि 14 मार्च को रालोसपा जदयू के साथ मिलन होने जा रही है और ये पार्टी पूरी तरह से जो है वो जेडीयू में मिल जाएगी। तो उपेंद्र कुशवाहा अब 14 मार्च के बाद जेडीयू के नेता कहलाएंगे, और इस तरह की खबरें जो है इसकी पुष्टि हो चुकी है। एक अंदरूनी सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि ये खबर पक्की है और ये विलय होना तय है। तो ऐसे ही कार्यक्रम को हम लगातार लेके आते रहेंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। तो आप देखते रहिए बिग न्यूज 9 और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और ये ब्रेकिंग न्यूज एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है रालोसपा, वो जेडीयू में 14 मार्च को विलय होने जा रही है। तो ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।